हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक आईसीयू बेड के बारे में और इसमें कितने फंक्शन होते हैं और आप इन्हें कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं जो मटेरियल इसको बनाने के लिए यूज़ होता है वो मेटल का होता है और जो इसका साइज़ होता है वो 6.5 फुट बाय 3 फुट होता है। 6.5 फुट जो होती है इसकी लंबाई होती है, 3 फुट इसकी चौड़ाई होती है। इसके हेड और फुट पैनल पे आपको एबीएस प्लास्टिक से बनी हुई होती है और इसके दोनों साइड पर आपको 2-2 सेक्शन रेलिंग मिलती है जो देखने में काफ़ी अच्छी होती है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि वो इम्पोर्टेड होती है। अब हम बात कर लेते हैं इस बेड के फंक्शन के बारे में। तो इसमें 5 फंक्शन होते हैं जिसे आप रिमोट से यूज़ कर सकते हैं। पहला फंक्शन होता है हेड अप एंड डाउन। उसको आप हेड को आप 0 to 75 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा फंक्शन होता है लेग अप एंड डाउन, जिसमें आप अपनी लेग पोजीशन को 0 to 35 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है हाइट एडजस्टेबल। तो इसमें हाइट जो होती है 18 इंची से लेकर 32 इंचेस तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और चौथा फंक्शन होता है टेंडलबर्ग और पाँचवा फंक्शन जो होता है वो होता है रिवर्स टेंडलबर्ग। ये दोनों फंक्शन जो होते हैं वो आप घर के पर्पस के लिए नहीं होते, ये हॉस्पिटल पर्पस के लिए होते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो डॉक्टर इस फंक्शन को यूज़ करके सर्जरी करते हैं वो। अगर आप घर के लिए ये बेड ले रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन आपके लिए नहीं होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको ऑप्शनल चीज़ें क्या क्या मिलती हैं। तो आपको इसमें प्लास्टिक व्हील मिलते हैं जिस जो कि चारों लॉकेबल होते हैं। आप किसी भी एक व्हील को लॉक करेंगे तो चारों व्हील इसमें लॉक हो जाते हैं। इसमें आपको यूरिन होल्डर भी मिलता है जो कि बेड में अटैच होता है। और इसमें आपको 4 साइड रेलिंग मिलती है। आप उसमें एक क्लिप होता है वो आप उसको पुश करेंगे तो वो रेलिंग जो है वो नीचे हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो 5 फंक्शन है उन्हें आप रिमोट से यूज कैसे करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि आप हेड इसका जो है वो कैसे अप एंड डाउन करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें लेग अप एंड डाउन आप कैसे करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आप इसकी हाइट अप एंड डाउन कैसे करेंगे विद हेड पॉकेट। अब हम देख लेते हैं कि आप इसमें रिवर्स टेंजलबर्ग और टेंजलबर्ग पोजीशन आप कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आप ये बेड कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें कितने फंक्शन होते हैं। अगर आप ये बेड अपने घर के लिए लेना चाहते हैं तो Amazon से ले सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।